टेस्ट ना खेलकर भी रोहित शर्मा नंबर वन। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा सीरीज का आखिरी मैच अब आखिरी चरण में पहुंच गया है। टीम इंडिया की पारी समाप्त हो गई है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 245 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 368 का टारगेट रखा। अब इंग्लैंड को आज चौथे दिन बचे हुए समय और मैच के आखिरी दिन इतने रन बनाकर मैच जीतना होगा, लेकिन इंग्लैंड के लिए ये काम आसान नहीं है। इंग्लैंड के कम से कम 2 से 3 बल्लेबाजों को ऐतिहासिक पारी खेलनी होगी, तब जाकर ये मैच इंग्लैंड की टीम बचा पाएगी। इस बीच 5 मैच की सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक मामले में बाजी मार ली है। ऐसा तब हुआ जब वे कोविड पॉजिटिव हो जाने के कारण ये मैच खेल ही नहीं पाए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज साल 2021 में शुरू हुई थी। उस वक्त 4 मैच हो गए थे, लेकिन तभी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने लगा और भारतीय टीम ने आखिरी मैच खेलने से इनकार कर दिया। इसके बाद BCCI और ECB ने मिलकर तय किया कि सीरीज का ये मैच जुलाई 2022 में खेला जाएगा। 2021 में जो 4 मैच खेले गए थे उसमें से 2 मैच भारतीय टीम ने जीते थे और 1 मैच में उसे हार मिली थी, वहीं 1 मैच बराबरी पर खत्म हुआ था। इस तरह से सीरीज में टीम इंडिया की 2.1 की बढ़त है। इन 4 मैचों में रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने इस टेस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 268 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत हैं, जिन्होंने 349 रन बनाए थे। वहीं तीसरे नंबर पर KL राहुल हैं, जिनके नाम 315 रन हैं। KL राहुल भी चोटिल होने के कारण इस मैच को मिस कर रहे हैं। हालांकि सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात करें तो इस मामले में इंग्लैंड की पूर्व कप्तान जो रूट ने बाजी मारी है। जो रूट ने 595 अभी तक बना लिए हैं और उनकी आखिरी पारी आनी बाकी है। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 3 खिलाड़ी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और KL राहुल हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा, उन्होंने 306 रन बनाए हैं। पांचवें नंबर पर रविंद्र जडेजा, जिनके नाम 287 रन हैं। और इसके बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली का नंबर है। विराट कोहली एक बार फिर इस सीरीज में फ्लॉप साबित हुए हैं। केवल 249 रन ही पूरी सीरीज में बनाने में कामयाब हुए हैं। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह के नाम है, जिन्होंने 21 विकेट अपने नाम किए हैं। हालांकि ऑली रॉबिन्सन और जिमी के भी 21 विकेट हैं, लेकिन अब ये दोनों खिलाड़ी गेंदबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के पास और भी विकेट लेने का मौका है। अगर इंग्लैंड के 10 में से एक भी विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया तो वे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हो जाएंगे। हालांकि टीम इंडिया और फैंस ये चाहेंगे कि बुमराह ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लें और मैच टीम इंडिया के नाम करें। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।